और एक बात स्मरण रहे, जीवन को दुखालय समझना बंद करिए, माया कहना बंद करिए। ये प्रवचन ही गलत है कि संसार माया है, ये केवल गृहस्थ को ठगने का साधन है, कुछ माया वाया नहीं है। मैं और मेरा, इसमें हमारी जो चिपकाहट है, यही केवल माया है, कुछ माया नहीं। ये मायापति के हास का विस्तार है संसार। भगवान ने संसार हमको आज तक माया से भेंट नहीं भया। लोग ऐसे ही प्रवचन बनाए रहते हैं, ये संसार माया है, छोड़त खुदे नहीं है। आप लोग तो कई सन्यासियों के यहां भी रहे, विरक्तों के यहां भी रहे, दूसरों को दोष देना हम बंद करें और संसार में अन्यथा रोना बंद किया। नाम रह जाएगा आदमी का, साथ देती नहीं है किसी का। स्मरण ये है कि हमने, हमारे श्रेष्ठ ने जो कार्य संपादन किया, प्रारंभ किया, हम उसको और ले चले समाज के हितार्थ, परमार्थ भाव रखते हुए हम आगे बढ़े। केवल संग्रह में नहीं, त्याग में लगे रहे, चलने नहीं, सेवा के कार्य बढ़ते जाएं। परमात्मा परहित को धर्म कहते हैं, परमात्मा अहिंसा को धर्म कहते हैं, सत्य को धर्म कहते हैं, परमात्मा दान को धर्म कहते हैं। जितना हो सके परमार्थ जो साधेगा उसकी कीर्ति अपने आप इत्र की भांति जगत में पवित्र भाव से सुभाषित होती रहती है। हम करें ये हमारी अपेक्षा। हनुमान जी महाराज ने फल खाया, असुरों ने मना किया, हनुमान जी ने तोड़ा कस के, भट सुभट महाभट सबको फटाफट निपटाए हनुमान जी महाराज। ब्रह्मास्त्र जब आया है, हनुमान जी ने प्रणाम कर लिया, नाक पास बांध कर रावण के सन्मुख ले गया, रावण की बुद्धि भी हरी ली गई। कब के ममता पूछ पर सब कहूं समझाए, तेल भोरी पटबांध अपनी पावक देव। अरे लंका में रावण की बुद्धि को क्या हो गया, पूछ में कपड़ा लपेटवा करके तेल भोर और आग लगवा दिया। हनुमान जी ने पूछे बढ़ा दिया, बाढ़ी पूछ कीन कभी कभी खेला, उस दिन रहान नगर बसन घृत तेला, नगर भेर बुनि पूछ ब्रजारी, जरी जैसे पावक जलत देख हनुमंता भयो परम लघु रूप, निमुख चढ़ो कभी कटक ठारी भई स्वी साजन। लंका जल करके खाक हो गल गई, तो मैदानों ने बना दिया, 5 मिनट का काम है। असुरों के विश्वकर्मा है मैदान, पूछ बुझाई खोशम धरि रघुरूप बहोर, जनक सुधा के आगे माँ से चूड़ामणि लेकर हनुमान जी आए हैं। इस पार समुद्र के कपियों को लेकर प्रणाम बंदगी पूर्वक मधुबन गए, फल खाए, फिर सुग्रीव जी से मिले, सुग्रीव जी भगवान की शरण में आए। पूरी कथा हनुमान जी की जामंद बाबा ने सुना दी सरकार को और कहा क्या, प्रभु के कृपा भय सब से हनुमान जी ने सब कार्य संपादित किया है। हे ठाकुर, आप इन पर कृपा बना के रखिए, आशीर्वाद दीजिए। भगवान को संदेश मिला है, भगवान सब समाज को लेकर के और सुंदर पर्वत पर आए। यहाँ भी विष्णु जी की शरणागति सुख सारण की कथा है, सेतु बंद हुआ है और तब वहीं भगवान ने अपने इष्ट देव रामेश्वर सरकार की स्थापन की। एक बार भाव श्रद्धा से बोली, बोलिए रामेश्वर भगवान की जय हो। अथाह अपार विशाल विस्तृत
श्री हनुमान जी महाराज का यह पावन मधुर चरित्र उनकी करनी सुंदरकांड में गोस्वामी जी ने समेटा है, समाहित किया है। अनेक बिंदु हैं, अनेक प्रसंग हैं, इसलिए बाबा ने इस कांड को पूर्ण करते हुए इसकी फलश्रुति बड़ी मधुर लिखी है। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुण गा, सादर सुनहित तरही भव सिंधु बिना जले। सकल सुमंगल दायक, सब सुंदर और मंगलों का देने वाला है क्या? रघुनाथ जी का गाना, श्री रघुनाथ जी के गुणों का गान। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, ये मैथमेटिक्स है प्यारे। सारे कांडों की फलश्रुति अलग अलग है। स्कंदा की भव भेषत रघुनाथ जस। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहित तरहि भव सिंधु बिना जले। रघुनाथ जी के गुण समूहों को जो कान पार कर सुनेगा, संसार सागर का है, आ तो शिव जी का सागर है। भव सिंधु बिना यान के ऐसे ही पार कर जाएगा। कथा सुनते रहिए, राम कथा गंगा सुगम कहिया कोई कोई को नहा। राम कथा गंगा सुगम कहिया को नहा। राम कथा कथा सुना करिए। क्या सुना करिए? कथा, भजन नहीं, कथा सुना करिए। कथा कल्याण करती है। रामचरण रति जोच, बाबा का सिद्धांत, अथवा पद निर्वाण भाव सहित सो यह कथा करूं श्रवण पुट। और कथा सुनना है तो कथा सुनिए बस, बस आनंद में एक घंटा सुनिए। सुनिए तो सुनने का ढंग भी बाबा ने लिखा है, गोस्वामी जी ने,
सुनि समुझहिं जन मुदित मन मजहिं अति अनुराग लहहिं चारि फल अक्षत तन साधु समाज प्रयाग हर काम मोक्ष। सुनिए जे यह कथे हैं सनेह समेत रामचरण अनुराग कलिमल समन सुमंगल भाग स्नेह पूर्वक